नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु टिप्स के इस सीरीज़ में मेरा ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो दे चुका हूँ, तो ये मेरा फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं स्टेयर केस और सीढ़ी के बारे में बताऊँगा। मतलब घर में कहाँ पे आपका सीढ़ी या स्टेयर केस होना चाहिए, जहाँ पे होगा वो आपका मतलब कहाँ पे होने से आपका घर में गुड लक आएगा, तो आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हो तो आप जानते होंगे कि मैं जो घर का जो सारा पोर्शन है उसको मैं कैसे 9 डिवीज़न में डिवाइड करता हूँ, 9 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ और कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो बाहर का ब्लू कलर का है, ये आपका घर घर का बाउंड्री है, ठीक है। ये है आपका बाउंड्री, और ये अंदर में जो है, अंदर में जो जिस जिस पोर्शन आप बॉक्स बॉक्स करके दिख रहा है, ये है आपका एक्चुअल घर है, ठीक है। देखिए, ये घर में देखिए मैं चारों साइड में 9 डिवीज़न में डिवाइड किया हूँ, 9 सेक्शन में चारों तरफ से डिवाइड किया हूँ, ओके। और इससे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देख कौन सा सेक्शन में, देखिए 1 2 3 4 करके चारों तरफ से दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में क्या होना चाहिए। आज मैं बताऊँगा स्टेयरकेस और सीढ़ी कहाँ पे होने से आपका घर में खुशियाँ आएगा, घर में गुड लक आएगा, ओके। स्टेयर केस और सीढ़ी क्या होता है दोस्तों, जहाँ से हम लोग एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में जाते हैं या छत पर जाते हैं, तो वो होता है स्टेयर केस और सीढ़ी, ओके। देखिए दोस्तों, स्टेयर केस और सीढ़ी जो होता है वो बहुत भारी चीज़ होता है, मतलब हैवी वेट होता है, इसलिए स्टेयर केस और सीढ़ी हम लोग घर का कहीं भी जगह से करते हैं ऐसा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो जो घर का जो पॉजिटिव एनर्जी होगा उसको ब्लॉक कर देगा, जो गुड लक है उसको सप्रेस कर देगा, ओके। तो वो आपका घर में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए स्टेयर के सही जगह पर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कुछ देख रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर करके कुछ दिया हुआ है, इस साइड में ये रेड कलर करके दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रीन कलर करके कुछ दिया हुआ है, ओके। सो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा, ये देखिए जो स्टेयर केस है मतलब सीढ़ी है, ये आप देखिए वेस्ट साइड, ये जो आपका वेस्ट पश्चिम है और ये जो साउथ है दक्षिण है, मतलब यहाँ जो रेड कलर करके दिया हुआ है, ये जो जगह है वेस्ट और साउथ, यहाँ देखिए इस जगह से आपका अगर घर का सीढ़ी है, ओके, तो ये सबसे बेहतर है। मतलब इस पोर्शन से सीढ़ी अगर आप कर रहे हैं, स्टेयर केस बना रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। मतलब यहाँ से आपका सीढ़ी जा रहा है, धीरे ऊपर जा रहा है, छत पे जा रहा है या सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, इस पोर्शन से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है या यहाँ से भी जा रहा है सीढ़ी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये दोनों जगह पर सीढ़ी अगर नहीं बना पा रहा है, या कोई यार दूसरा घर है और कुछ कुछ चीज़ है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखिए वेस्ट की तरफ से, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, देखिए ग्रीन कलर करके दिया हुआ, यहाँ भी एवरेज है, एवरेज गुड है, यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं हो तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, बेस्ट है ये जहाँ रेड कलर करके दिया हुआ है, ओके। सो ये जगह जो जगह मैं दिखाया हूँ रेड कलर करके, ये आपका सीढ़ी के लिए, स्टेयर केस के लिए ये बेस्ट है। और देखिए, मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये जो स्टेयर केस है, देखिए यहाँ जो जितना बिल्डिंग का जितना पोर्शन है, इसको 2 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है, देखिए ये ग्रीन कलर का एक लाइन दिया हुआ है। सो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, इसका ये लेफ्ट साइड जो है ये पश्चिम है, और जो राइट साइड है ये पूरब या ईस्ट है, ओके। सो वेस्ट या पश्चिम के तरफ आप सीढ़ी करेंगे, अगर हो सकता है कि इस पोजिशन में आप सीढ़ी नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से भी करेंगे तो ये जो पोजिशन मतलब वेस्ट साइड, ये जो ग्रीन लाइन है, इसका जो वेस्ट साइड में जितना पोर्शन है वहाँ पे आप सीढ़ी या स्टेयर केस बना रहे तो भी ठीक है, चलेगा, वहाँ से सीढ़ी करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगा। मगर ये जो ग्रीन लाइन है, इसका राइट साइड का जो पोर्शन है मतलब ईस्ट के तरफ, इस साइड में अगर आप सीढ़ी बना रहे हो, तो स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में आप अगर आपका सीढ़ी है या स्टेयर केस है, तो दोस्तों ये बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी आपका घर में लाएगा, कोई भी अच्छा काम होने नहीं देगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये बहुत लाइट है, मतलब हल्का है। यहाँ आप अगर सीढ़ी कर रहे हो तो ये जितना पॉजिटिव एनर्जी है इसको ब्लॉक करेगा, इसको सप्रेस कर देगा, जिसके चलते आपका पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ सकते। सो राइट साइड में, इस साइड में आप कोशिश कीजिए कि आपका सीढ़ी ना हो तो बेहतर है,
लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट या पश्चिम के तरफ आप श्रेणी करने का कोशिश कीजिए, और ये जो रेड कलर करके दिया हुआ है यहाँ, ये ग्रीन कलर करके, इस पोर्शन में आप श्रेणी करेंगे तो एवरेज है। ओके, रेड कलर बेस्ट है, मतलब ग्रीन कलर है जो ये एवरेज है। ओके, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों ये जो है, देखिए सीढ़ी का डायरेक्शन, मतलब सीढ़ी आप स्टेयर केस ऐसे जा रहा है, जाके यहाँ से एक ब्रेक होता है, फिर आप ऐसे टर्न करके फिर ऊपर जाते हैं। ओके, सो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो सीढ़ी के थ्रू या स्टेयर केस से, तो आपका वो जो सीढ़ी का मुख, जिस आप डायरेक्शन देखिए, ये कॉर्नर से ये जो डायरेक्शन, आप जहाँ पे मोड़ ले रहे हो, आप जहाँ पे टर्न ले रहे हो, वो राइट की तरफ होना चाहिए, ना कि ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए। देखिए ये एरो दिया हुआ है, जैसे यहाँ से जा रहे हो तो ये राइट की तरफ मोड़ लेना चाहिए। ओके, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ओके, ये क्लॉकवाइज होगा तो अच्छा है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये आपके लिए गुड लक नहीं लाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अब जब स्टेयर केस नया बना रहे हो, तो ये स्टेयर केस हमेशा ऐसे जाके आपका राइट की तरफ मोड़ करे मोड़े टर्न ले, और यहाँ से भी आप राइट की तरफ टर्न ले, और फिर आप ऊपर आए। सीढ़ी ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे मत बनाइए कि जाके यहाँ से जा रहा है और लेफ्ट साइड में आप मोड़ के फिर ऊपर आ रहा है, ऐसे मत बनाइए। ओके दोस्तों, ये था आपका स्टेयर केस के बारे में, आज मैं बोला आपको, आप ये अप्लाई करके देख लीजिए। आप अगर आप नया घर बना रहे हैं या ये कर रहा है, नया बिल्डिंग बना रहा है, तो स्टेयर केस इस पोजिशन से बनाइए, तो बहुत सारा गुड लक आपके घर में आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।